खनीधना नाच मंडी के सामने खनीधना क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने आज रोड रेडी खनीधना रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि मंडी में कई तरह की अनियमितता फैली हुई है। मंडी सचिव या कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को देखने अनाज मंडी नहीं आता है, जिससे गल्ला व्यापारियों ने खनीधना मंडी में अपनी मनमानी चला रखी है और औने पौने दामों पर किसानों की मेहनत की फसल खरीद रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खनीधना की गल्ला व्यापारी और अधिकारियों की साठगांठ के चलते किसानों को मजबूरी में अपनी फसल मंडी के बाहर बेचनी पड़ रही है। वहां भी व्यापारी अपने मन मुताबिक कीमत पर किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिलहाल मौके पर खनीधना तहसीलदार श्री शिवम उपाध्याय पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुन शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खनीधना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, अभी यहाँ पे खनीधना मंडी पे आप लोगों ने जाम लगाया है जी, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने ये जाम लगाया यहाँ पे? देखिए सर, जो ये मूंगफली तुल रही है उसकी रेट स्टार्ट होती 3000 से, और 3000 के बाद भी वो 3400-3500-3700 तक जाके टूट जाती है। चार पूरे व्यापारी आते हैं, तीन ढेर व्यापारी अपने प्राइवेट धंधे चला रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है मंडी में आने की। इसलिए जो प्रशासन से निवेदन है कि पहले तो व्यापारियों की दुकानें बंद करें जो प्राइवेटली चला रहे हैं, उसके बाद मंडी में सारे व्यापारी आए और किसान आए, ताकि किसान को कुछ भाव मिल सके। 700 रुपये में तो किसान ने एक एक मजदूर चला के काम किया है। व्यापारी मनमानी रेटों पर अपनी बोले, अरे उनकी तो मनमानी क्या, उनकी जो रेट है मन में आ गया वही सही है। अच्छा, किसान की तो कोई रेट ही नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आप एक घंटे से यहाँ पे जाम लगाए हुए, कोई अधिकारी आया आपकी बात सुनने? अरे साहब, अभी कोई आए थे थोड़े से, 2 मिनट के लिए और निकल गए। वो कोई उनने आपको आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन ये दिया है कि पहले जाम खोलो, उसके बाद कोई आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी आप जाम नहीं खोलेंगे? जाम कैसे खुलेगा साहब, जब कोई कार्रवाई नहीं होगी। मंडी के आगे जाम लगाया गया, किस बात को लेकर लगाया गया है और क्या मांगे हैं? क्या मांगे आप? सर, हमारी यही मांगे है कि मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई और डीजल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारे लिए 50 से ऊपर भाव होना चाहिए। हमारा कहना ये है किसानों खर्चा ज्यादा हो गया और उतना आपको मूल्य नहीं मिल पा रहा है, हमारे उसमें लगत ही निकल रही है। आज क्या भाव लगाया गया मंडी? आज 2530 बस। वैसे कितना भाव है बाहर? बाहर 50-40 रुपये कम समय थे, अपने थे बाजार में रहो तो 51 की एक दिन बाजार में। हाँ, पठान की गाड़ी आई थी, वो 51 की खरीदी थी, उस दिन से भाव ज्यादा मार आने लगा, मर्जा कर दिया। व्यापारियों की मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी चल रही है। आज नहीं रहे व्यापारी, बिल्कुल नहीं जा रहे। अभी कोई प्रशासन सुनने आए थे, कोई अधिकारी आए थे अभी आपकी बात सुनने? अजय जी, आप किसान मोर्चा से हैं, अभी यहाँ पे खनीधना मंडी में किसानों ने जाम लगा रखा है, आप लोग किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं? किसानों की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि जब किसान ने बीज खरीदा था तो उसकी कीमत 150 रुपये कीमत थी, और आज मजदूरों की ऐसी स्थिति रही कि 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमने मजदूरी दी किसानों ने, तब जा कर के आज हम अपनी मूंगफली मंडी में लेने लायक हुए हैं यहाँ पर। और किसानों की मंडी के भाव यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 24-25 और 28-30 रुपये ये लगाया जा रहा है, जबकि बाजार में यहाँ पर किसान जो व्यापारी हैं वो अपने दुकानों से 46-48 रुपये में मूंगफली खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर मंडी में कौन खरीदने आएगा? वास्तव में किसानों को अपनी मूंगफली का भाव 50 से 55 और 60 रुपये मिलना चाहिए, जितनी मेहनत की है, और उसको कुछ मेहनताना जो उसने किया है मेहनत का भी फल इतना कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल मौन है, और यहाँ पर जो व्यापारी खुलेआम चौराहे पर सैकड़ों ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई और खुलेआम जो है मंडी के बाहर खरीद रहे हैं, तो उन पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से किसान को अपनी मूंगफली का दाम नहीं मिल रहा है। अभी तहसीलदार साहब जब ये चक्का जाम किया हम लोगों ने, तो तब जब तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने कहा कि इसको हटा लीजिए, तो हम लोगों ने यही कहा है कि जब तक कि हमें यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी व्यापारियों पर, और जो व्यापारी यहाँ पर लाने के लिए मूंगफली खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे जब किए जाए, हमारी ये मांग है, और उन पर कार्रवाई की जाए, और व्यापारी जब यहाँ पर खरीदने के लिए आने लगे और हमारी मूंगफली का सही दाम मिलेगा, तो ही हम चक्का जाम खोलेंगे। और सर, आप तो के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया किसानों को? किसानों को बढ़िया साफ माल लिया तो अच्छी भाव से मिलेगा। तो किसान क्यों लगा रहे हैं ऐसा, इसी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बगल वाली साफ कोई मूंगफली ढेरी लगती है वहाँ, खुली नीलामी होती है, तो साफ ढेरी है वो अगर 5000 रुपये की बिकी, और अगर मिट्टी वाली ढेरी बगल से लगी वो अगर 4 रुपये, तो किसान भड़क जाता है।
नहीं तो मिट्टी वाले की कोई कंडीशन नहीं करते, कंडीशन नहीं रहती, खुली नीलामी लगती है। आ जाइए इधर, खुले में खुली नीलामी लगती तो व्यापारी अंदाजा लगा लेते हैं इसमें इतनी मिट्टी है, वो सारा दाम लगाता है। जैसे सर किसान आरोप लगा रहे हैं कि डाक का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे और मंडी पे सही बहुत ज्यादा कम दाम लगा रहे हैं, 25 रुपए और 28 रुपए तक का लगा रहे हैं। तो श्रीमान में और वीडियो बता देता हूँ, जो करेरा में ये हुआ है, यहाँ भी हुआ और पिछोर में भी हुआ। क्या हुआ? यही हड़ताल हुई, जाम हुआ पैसों के चक्कर में, कम दाम के चक्कर में। नहीं ये जो समस्या है वो अपनी बता रहे हैं, ये सही है गलत है? वो जैसे कह रहे हैं कि डाक टाइम पे नहीं आ रही है, उसके बाद मंडी में भाव बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा अच्छा भाव मिल जा रहा है। भाई क्या है, हम तो आए थे यहाँ डाक टाइम पे कराई थी, जिस टाइम होती है। कितने बजे होती है? अब यहाँ तो होती है 12 बजे, डाक शुरू करा के गए थे हम, इसके बाद वो भाव कम लगे तो किसान ने हड़ताल। किसानों का आरोप है कि डाक 7 दिन में का 1 या 2 दिन समय पे लगती है और तो समय पे नहीं लगती है, इसके विषय में क्या होगा? रिकॉर्ड दिख लीजिए, डाक तो रोज हो रही है, जिस दिन चालू हुई मंडी में कुछ कृषकों की डाक न होने के कारण व्यक्तियों द्वारा जाम लगाया गया है, तो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मेरे द्वारा मौके पर जाकर कृषकों को समझाया गया है कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे डाक आयोजित होगी, जिसमें कृषकों का व्यापारियों द्वारा माल होगा वो क्रय किया जाएगा, तो संबंधित सहायक कृषकों ने सहमति दी है इस पर, और इसी तारतम्य में हमारे द्वारा कुछ दुकानों पर अभी कार्रवाई भी जारी है, जिसके माध्यम से जो भी व्यापारी वर्ग बाहर बिना मंडी शुल्क के माल खरीद रहा है वो मंडी में आकर अप्लाई करेगा। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? अभी प्रथम कार्रवाई चल रही है, इसके बाद कंटिन्यू सतत रहेगी मंडी, कंटिन्यू चलाएगी जी।